month and 20 days. Heavy going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. He can't keep up with the boogaloo. चली आई।
मैं जेलस होंगी भी क्यों? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो माफिया शाफिया किसको हक करता है और किसके साथ बातें करता है। मैं टैंग हूँ, मैं कभी किसी से जेलस नहीं होती और ना ही कभी होंगी। नेवर एवर, नेवर नेवर नेवर। हाँ, ओके ओके, मैं समझ गई। इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं समझ गई। चलो अब तुम्हें मैं एडल से मिलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ उस एडेला से मिलने। मिलने तो उसको उसके कुकी से। मैं जा रही हूँ मेरे रूम में सोने के लिए, बाय। यू नो व्हाट, हम ना जंकू को पहले कुकी कहते थे लेकिन अभी उसको पसंद नहीं क्योंकि वो अभी बिग बेबी जो हो गया है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी थोड़ी तो जेलस हो। या जिमी ना, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ, वो भी उस एडेला फैडेला से तो बिल्कुल भी नहीं। जियान जंकुक तुम्हारे बेबी को हनीमून पे लेके गया। और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो याकुजा। ओह गॉड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता अगर एचके ने मुझे बताया नहीं होता कि मेरी बेबी 1 वीक कॉलेज नहीं जाने वाली है जस्ट बिकॉज वो सो कॉल्ड हनीमून की वजह से। So guys, HK ने जंकुक एंड टे के हनीमून के बारे में ऐसे ही याकुजा को नॉर्मली बता दिया होता है। बट HK को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती कि उसका भाई टे से क्रेजीली प्यार करता रहता है। अब मैं क्या करूं? वो दोनों वहाँ पे हैप्पी हैप्पीली हनीमून मना रहे होंगे। नो नो, मेरी बेबी उसके साथ नहीं रह सकती, उस जंकुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए था बेबी, ना कि उस जंकुक के पास। इट्स ओके याकुजा, मनाने दो जितना मनाते हैं हनीमून। एट द एंड कैसे भी करके टे को तो तुम्हारी ही होनी है। काश मैं टे को किडनैप करके हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रख पाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उस सोकल माफिया की वाइफ जो थेरी। मुझे शांति से काम लेना होगा, एक भी गलत कदम मेरे लिए महंगा पड़ सकता है। सो एवरीवन, आप सब तो जानते हो कि जंकुक 7 डेज के लिए छुट्टियों पे है। दैट्स व्हाई आज से 7 डेज के लिए पूरे मीटिंग्स में या फिर मिस शाइन अटेंड करने वाले हैं। आई एम क्लियर? यस सर। ओके, सो आप सब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आरएम के कहने पे मीटिंग स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरएम का उस मीटिंग पे ध्यान नहीं रहता बिकॉज उसका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। बोलो जिन, क्या बात करनी थी तुम्हें? ओके, सो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है? घुमा फिरा के बात नहीं करती। तो मुझे बताओ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो क्या? ओए, ऐसा खरबूजे जैसे घूरो मत मुझे, वरना कचौड़ छोड़ दूंगी मैं तुम्हारे मुंह पे। जो पूछा है सीधा सीधा उसका जवाब दो। आर यू मैड? लग गई था ये आदमी मुझे आज पागल घोषित करके रहेगा। देखो नामजना, मुझे अभी भी प्यार करते हो कि नहीं जल्दी से बताओ, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे पास। मुझे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों क्यों नहीं देना? क्योंकि जो क्वेश्चन तुमने पूछा है उसका कोई जवाब नहीं बनता जीनू। बस सारे गम में जाना, संग हूँ तेरे। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ऐसे देखो मत और जल्दी से बताओ कि हाँ कि नहीं, प्यार करती हो कि नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अभी भी? अब क्या हुआ, अब तुम क्यों चुप हो गई जीनो? क्या हुआ, जवाब नहीं है इस सवाल का तुम्हारे पास? क्या ही तुमसे एक्सपेक्ट करूं मैं, पहले भी तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं था और अभी भी नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम से ना मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत किया करो जिसके आंसर तुम्हारे पास भी नहीं है। मिस्टर नामजुन, मिस्टर नामजुन, नामजुन सर। ओ
आई एम सो सॉरी एवरीवन, प्लीज मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, सो इस प्रोजेक्ट का हमने पिछली बार ऐसे किया था। ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रहा था। पर जिन ने इतने साल बाद वैसा क्वेश्चन क्यों पूछा? मेरे तरफ ऐसे मत देखो। देखो, तुम दोनों जैसा सोच रहे हो, होबी और मेरे बीच में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर हम दोनों वहाँ पे टाइम पे टपकते नहीं रहते तो तुम दोनों वहाँ पे इलू इलू पिलू कर ही लेते रहते ना। लीजा, क्या तुम्हें पता था कि तुम होबी अंकल को किस करने वाली हो करके? नहीं यार, हम दोनों बस डांस कर रहे थे एंड डांस के बाद एकदम से पता नहीं अचानक से होबी मेरे पास आ गए और मुझे उठने में कुछ समझ में ही नहीं आया एंड देन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के पास आते गए। अरे बस बस भाई, और कितना पास आएंगी? लीजा, सच सच बताना प्लीज, क्या तुम्हें होबी अंकल पसंद है? हॉट है, हैंडसम है एंड क्यूट भी है और डांस भी अच्छे से कर लेते हैं एंड बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है, सो यस पसंद है। बट हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं चल रहा। ओके, क्या लफड़ा ना? तो वैसे बोलना बहन, लफड़ा नहीं चल रहा करके, ये क्या हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं चल रहा? लगा रही है, अबे बस कर ले वरना तेरा मुंह फोड़ूंगी। इधर आ, तो ज्यादा आ रही है तुझे। What happened, baby doll? तुम अभी तो बार-बार मेरा नाम लिए जा रही थी। Oh my God, cookie करके। So अभी एकदम से तुम्हारे मूड को क्या हो गया baby doll? ऐसे घूरने क्यों लगी? बस इतना ही सुनाई दिया? हाँ, बाकी का नहीं सुना? Oh my God, cookie! I can't believe it! Cute. रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल से। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। बाय द वे, तुम कल वहाँ से एकदम से वैसे क्यों चली गई? मुझे तुम्हें एडल से मिलाना था। ओहो, एडल को तुमसे मिलाना था? हाँ, कल मिल लिया ना तुम चिपक चिपक के उसको, तो बस हो गया ना। मैं क्यों मिलूं उस एडला से? वैसे भी हर बार तो तुम मेरे पीछे पीछे आते रहते हो, जहाँ देखो वहाँ। तो कल क्या हो गया था तुम्हें? क्यों नहीं आए मेरे पीछे? हाँ बोलो, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? बताओ बताओ। ये उड़ते हुए धतूरे कल आते नहीं रहते ना जीनू, तो सच में लीजा और मेरी किस्सू हो ही जाती रहती। ओए, तुझे क्या हुआ है? फिर से कौन से सोच में है तू? मैं ये सोच रही हूँ कि ये नामजन तो चालाक निकला यार। क्या? फिर जिन जेहब को उसके और नामजन की बातें सब कुछ बता देती है। ओ तेरी, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊ म्याऊ। जेहब देखो, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता होगा एंड करता भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कहेगा। अरे जरा दम थका ले बहन, सांप अपने बिल से तब तक बाहर नहीं आता जब तक उसके सामने कोई चूहा ना छोड़ा जाए। क्या सांप चूहा? मतलब कि वो तुमसे प्यार भी करता है एंड ये बात वो खुद तुमसे आकर कहेगा, देख लेना। क्या सच में? बट हाउ कैन दिस पॉसिबल मैन? मुझे और एक बार खुद की बलि देनी पड़ेगी, बट इस बार फुटुरवा बनके नामजुन के साथ नहीं बल्कि जंग हो सब बनके तुम्हारे साथ, विच मींस मेरे खुद के स्टाइल में। क्या ये क्या को गोली मार, और जब वो तुम्हारे सामने अपना प्यार एक्सेप्ट करेगा तब तुम भी तुम्हारा प्यार उसके सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना बहन। चैनल
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।